देश के बहुत बड़े अर्थशास्त्री जिनका नाम देश ही नहीं दुनिया में लिया जाता है, नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि अर्थशास्त्र से लेकर एस्ट्रोनॉमी से लेकर रोबोटिक साइंस से लेकर बॉटनी से लेकर एनाटोमी से लेकर संस्कृत में से लेकर हिंदी से लेकर फ्रांस फ्रेंच भाषा से लेकर जितना भी दुनिया का ज्ञान है वो एक व्यक्ति में है। तो उन्होंने अपना अर्थशास्त्र का ज्ञान 25 दिसंबर को अपने मन की बात में बताया कि 2022 एक अद्भुत वर्ष था और बोला कि 2022 अद्भुत वर्ष था आर्थिक व्यवस्थाओं को लेकर। 2022 इज ए वंडरफुल ईयर एज फार एज इंडियन इकोनॉमी इज कंसर्न्ड। ये उनके शब्द थे। वाह मोदी जी वाह वाह, ये अद्भुत वर्ष था भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, या ऐसा वर्ष था जिसको हम भूलना चाहेंगे, जिसको हम याद नहीं रखना चाहेंगे। मोदी जी और मोदी जी के जो 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 संक्रमण से संक्रमित लोग हैं वो सब ये एब्सोल्यूट नंबर को आपके सामने रखते हैं। हमारी पर कैपिटा जीडीपी दुनिया के 194 देशों में 144वें नंबर पे है। एज फार एज पर कैपिटा जीडीपी इज कंसर्न वी आर एट 144th पोजिशन आउट ऑफ 194 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। मोदी जी ये अद्भुत है, ये वंडरफुल ईयर है। इज दिस वंडरफुल, इज दिस अद्भुत? आई थिंक इट इज ड्रेडफुल। मुझे लगता है हमें इसको भुलाना चाहिए। पर कैपिटा इनकम में दुनिया के 197 देशों में हमारी पोजीशन है वो 142वीं है। वी आर एट 142nd रैंक आउट ऑफ 197 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और पर कैपिटा जीडीपी का अंतर देखिए, जो दुनिया की सबसे बड़ी, जहां सबसे ज्यादा पर कैपिटा जीडीपी है, उससे हमारी पर कैपिटा जीडीपी 60 गुना कम है, 60 times लेस। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी। निर्मला जी से मैं कोई सवाल नहीं पूछ रहा क्योंकि वो अस्वस्थ भी है और उनके हाथ में भी कुछ, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि पर कैपिटा जीडीपी नामक की कोई जंतु होता है। उनको नहीं पता कि महंगाई भी कोई चीज होती है। उनको नहीं पता कि हंगर इंडेक्स भी कोई चीज होती है। उनको नहीं पता कि रुपया वर्स्ट परफॉर्मिंग एशियन बास्केट की करेंसी रही 2022 में। उनको नहीं पता कि देश में व्यापक बेरोजगारी है। उनको नहीं पता कि देश दुनिया की सारी एजेंसीज भारत के जीडीपी फोरकास्ट को घटा रही। मैं मानता हूं उनको नहीं पता। तो शांति से जरा थोड़ी देर बैठिए और सोचिए, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। मैं मानता हूं डेमोक्रेसी की अगर उत्तम से उत्तम कोई ब्यूटी है तो वो क्रिटिसिज्म।